हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी ट्रिक। जैसे कि मतलब कोई कपड़ा होता है, जैसे हम बड़ा मार्केट से लेकर आते हैं परचेज़ करके, और वो बड़ा होता है। जैसे कि मैं ये बच्चों के ना नाइट सूट लेकर आई थी, और ये ना थोड़े थोड़े बड़े थे। तो मैं यहाँ पर ना उसकी पुरानी टॉप ली थी मैंने, उसको उल्टा करके, और जो नीचे वाली टॉप थी उसको भी उल्टा करके रख लिया था मैंने। और उसके बाद मैंने ना मिल्टन चौक ली और उससे ना उसको निशान लगा रही थी, मार्क कर रही थी कि कितना कितना बड़ा है। तो इस तरह से करने से ना क्या होगा कि मुझे इंच टेप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और बिना इंच टेप के ही मैं इस पे मार्क कर लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरे पर भी मार्क कर रही थी, दूसरे को भी मैं मतलब इसी तरह से कर रही थी। मैंने इसको उल्टा किया, और उल्टा करने के बाद इसके ऊपर मैं वापस से आपको मतलब जो बिल्कुल फिट थी उस वाली टॉप को इसके ऊपर रखूँगी उल्टा करके। और उल्टा करने के बाद मैं इसको मार्क करूंगी अच्छे से, है ना। उससे क्या होगा कि मुझे ना एक तो दिक्कत नहीं होगी कि बार बार इंच टेप से नापना है, और एकदम बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो ऐसी ट्रिक आप भी अप सकते हो, ये वाली ट्रिक, और बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये ट्रिक। मतलब चौक अगर दिखाई ना दे तो आप पेन वगैरह से भी निशान लगा सकते हो, या फिर आप ना आल पिन ले सकते हो, या फिर सेफ्टी पिन से भी आप इसे मार्क कर सकते हो कि जहाँ जितना जितना बड़ा है उतना उतना आप सेफ्टी पिन लगा लें साइडों में, और उसके बाद उस पर सिलाई लगाएं। और मार्क करने के बाद ना मैं इसको ना कट कर रही थी, जितना जितना बड़ा था ना उतना उतना मैं थोड़ा थोड़ा कट कर रही थी, क्योंकि अगर मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी तो ये ठीक से मतलब सिलाई वगैरह लगाने के बाद भी ठीक नहीं बैठेगा। और ये ना लेंथ में भी थोड़ा थोड़ा बड़ा था, तो मैंने लेंथ में भी थोड़ा थोड़ा कट कर दिया था इसी तरह से सीजर की हेल्प से। इससे क्या है ना कि इसमें ना फिटिंग जब मैं करूँगी तो ये परफेक्ट फिटिंग आएगी एकदम से। तो इस तरह से ना आप भी मार्क करके ना कट कर लें। थोड़ा थोड़ा सा सिलाई में मैंने एक्स्ट्रा रखा था ताकि एक्स्ट्रा सिलाई में ले सकूं, लेकिन अगर मैं ज़्यादा सिलाई रखती तो फिर ना ये सिलाई लगाने के बाद भी ठीक से नहीं बैठती इसकी फिटिंग, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कट कर दिया था। और ये ना थोड़ा सा लेंथ में भी बड़ा था, और थोड़ी सी इसकी बाजू भी बड़ी थी, तो मैंने बाजू भी थोड़ी थोड़ी कट कर दी थी इसी तरह से। और इसको ना फिर मैंने नीचे से भी कट कर दिया था इसी तरह से। मैं दूसरी को भी कट कर लूँगी। अभी ना मैंने ये कट कर लिए थे, और कट करने के बाद बारी आती थी सिलाई की। तो सिलाई सबसे पहले मैंने बाजू से स्टार्ट की, और बाजू से मैंने सिलाई इसको ब्लेड में लगानी स्टार्ट की, और वजन रखते हुए मैंने सिलाई लगा दी थी। और सिलाई इस कपड़े पे ना आराम से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से स्टिचिंग हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैं साइड में सिलाई लगा रही थी, और बस थोड़ा थोड़ा मार्जिन मैंने इतना ही रखा था कि ताकि सिलाई लगाने के बाद आधा आधा इंची एक्स्ट्रा रखा था बस साइडों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं अंदर की तरफ रखती इसमें तो बहुत ज़्यादा रखने के बाद ना फिटिंग अच्छे से नहीं आ पाती। फिर ना अंदर झोल जैसा लगता है कि झोल ज़्यादा आ गया है अंदर की साइड। तो इसी तरह से तो सबसे पहले मैंने साइड में ही सिलाई लगाई थी दोनों तरफ, और उसके बाद मैंने फिर नीचे से फोल्ड किया था, और फिर बाजू फोल्ड की थी। तो इस तरह से आप भी अपने मतलब कोई भी कपड़ा अगर बड़ा है मार्केट से आप खरीद कर लाए हो, या फिर
आपका बाई चांस बड़ा आ गया है तो आप इस तरह से फिटिंग लगा सकते हो उसमें इजीली। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड में सिलाई लगा दी थी दोनों तरफ, और उसके बाद मैं यहाँ पर ना दूसरी तरफ भी सिलाई लगा रही हूँ, ये देखिए। तो जब मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली थी तो उसके बाद फिर मैंने ना बाजू फोल्ड किया था, तो बाजू को फोल्ड करने के लिए मैंने ना दो बार नहीं फोल्ड किया, सिर्फ एक बार अंदर की तरफ फोल्ड करके ना एक बार ही यहाँ पर साइड में सिलाई लगा दी थी, क्योंकि दोनों तरफ मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी डबल फोल्ड करने का, क्योंकि इसमें धागे वगैरह तो निकल नहीं रहे थे, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा है कि इसमें धागे की ज़रूरत ही नहीं थी कि धागा निकल रहा है नीचे साइड में से, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक बार इसको फोल्ड किया और अंदर से सिलाई लगा दी। तो बाजू में मैंने पहले साइड में सिलाई लगाने के बाद सिलाई इसलिए लगाई ताकि ना फिनिशिंग अच्छे से आए, है ना। अगर मैं पहले फिटिंग करती और उसके बाद में, तो फिटिंग शायद अच्छे से ना बैठती इसकी। तो यहाँ पर ना मैंने साइड में सिलाई लगा ली थी इसमें बाजू में, और उसके बाद फिर मैंने नीचे भी सिलाई लगा दी थी, नीचे से भी इसी तरह से फोल्ड किया था, और इसी तरह से करके मैंने सेम इसी पैटर्न से दूसरे वाले जो नाइट सूट था उसमें भी सिलाई लगा दी थी, है ना। और ये सब काम करने के बाद ना मैं आपको दिखाती हूँ, उनकी ना फिटिंग बहुत अच्छी आई थी और दोनों ही अच्छे से आराम से हो गए थे नाइट सूट मेरे कंप्लीट, और इनमें मुश्किल से 10 या 15 मिनट मुश्किल से लगा था मुझे दोनों में। तो यहाँ पर देखिए ये ना दोनों मेरे हो गए थे कंप्लीट, तो ये नाइट सूट मैं आपको दिखा रही थी सीधा करने के बाद, तो सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसा आ रहा है, और इसी तरह से मैंने दूसरा भी कर लिया था कंप्लीट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।